ठीक इसी तरह पाकिस्तान में कुर्बानी के जानवरों के साथ ये सब कुछ किया जाता है। इंतहाई महंगे और कवी जिसामत के हामिल जानवरों को दरअसल एक साल में न जाने कितने इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही भारी भरकम हो जाते हैं। इनकी गर्दनों की झालर जमीन तक आ जाती है और बेवकूफ आवाम इसको खूबसूरती कहती है। इन जानवरों की खाल को चमकदार बनाने के लिए और जिस्म को सडोल करने के लिए बहुत ही महंगे और खतरनाक किस्म के इंजेक्शन लगाए जाते हैं और साल भर में इनको खाने के लिए एक मखसूस किस्म की फीड दी जाती है और आवाम को ये बताया जाता है कि जानवर बादाम, पिस्ता और काजू खाकर ऐसा हुआ है, जबकि हकीकत तो ये है कि इन जानवरों का गोश्त मुजरे सेहत बन चुका होता है और कई किस्म की बीमारियों का सबब बनता है। अगर किसी को इस बात में जरा बराबर भी शक हो तो इन जानवरों को 4 महीने के लिए अपने घरों पर पालना शुरू कर दें। 4 महीने गुजारने के बाद इनकी असली हालत आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि इस अरसे में इंजेक्शन और फीड के तमाम असरात खत्म हो जाएंगे और जानवर अपनी असली हालत पर आ जाएगा। लिहाजा महंगे और कवी जिस्म के जानवरों को खरीदने से गुरेज करें और अपनी कुर्बानी के लिए ऐसे जानवर का इंतखाब करें जिसको कुदरती गिजाएं खिलाई गई हों।